हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आलोक अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल एज वेल एज फॉर ब्रिटल मटेरियल। अगर आप लोगों को स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है ये नहीं पता है तो आप लोग मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल मटेरियल। तो सबसे पहले हमको प्रोसेस क्या करना है, हम एक सैंपल बनाते हैं, एक स्पेसिमेन बनाते हैं, जनरली एक सर्कुलर बार बनाते हैं और उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में माउंट करके हम वहां पे लोड लगाते हैं। मतलब हम उसमें टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, उसको पकड़ के खींच रहे हैं। जब हम उसमें टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड जो हम लगा रहे हैं उसमें हर एक स्टेप में जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं हम वहां पे मेजर कर रहे हैं कि उस सैंपल की लेंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और हम वो लोड तब तक लगाते जा रहे हैं जब तक वो मटेरियल पूरी की पूरी तरह से फेल नहीं होता। साथ ही साथ हमको उस मटेरियल का एक्चुअल लेंथ पहले से पता होना चाहिए और उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज पता है हमको और हम अगर ये लोड के साथ उसकी लेंथ में क्या चेंजेस आ रहा है ये अगर हम मेजर कर सके तो हम स्ट्रेस निकाल लेंगे जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं और हम स्ट्रेन निकाल लेंगे दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये दोनों वैल्यू हर एक पॉइंट में निकालने के बाद अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेयर स्ट्रेस विल बी इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में स्ट्रेस रहेगा और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन रहेगा तो जो ग्राफ हमको मिलेगा हम उस ग्राफ को बोलेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इस प्रेजेंट केस के लिए हम जो डक्टाइल मटेरियल यूज कर रहे हैं वो है हमारा मीडियम कार्बन स्टील, जो हमने स्टील जब हमने टाइप पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट उसमें देखा था मीडियम कार्बन स्टील जिसको हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। ठीक, तो हमको इस तरीके का एक ग्राफ मिलता है जिसमें हमको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं ए बी सी डी एंड ई और ये ग्राफ प्लॉट किया गया स्ट्रेस इन वाई एक्सिस एंड स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये सभी पॉइंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्या दर्शाते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट ए। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। मतलब ये होता है कि अगर मैं अपनी किसी भी सैंपल में या हमारा जो माइल्ड स्टील का सैंपल है उसमें जब मैंने लोड लगाना स्टार्ट किया तो जैसे जैसे मैंने लोड बढ़ाया वैसे वैसे इसकी लेंथ भी बढ़ी, वो इलोंगेट हुआ जो कि हमको इस ग्राफ से दिख रहा है। जैसे जैसे हमने लोड बढ़ाया तो स्ट्रेस बढ़ा और स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन भी बढ़ रहा। अब पॉइंट ए ये दिखाता है कि जब इस पॉइंट तक अगर मैं उसको स्ट्रेस दे रहा हूँ और अगर मैं अपना लोड रिमूव कर लिया तो जो मटेरियल जो भी इलोंगेशन हुआ है उसमें जो भी शेप और साइज में चेंजेस आए हैं वो वापस से वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर लेगा। मतलब अगर मैं इसके कम पॉइंट ए में आने से पहले लोड लगा के कहीं पे भी लोड रिमूव कर दूं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक, ये पॉइंट ए पॉइंट वो दिखाता है कि कब तक मैं इसमें लोड लगाऊंगा और लोड हटाऊंगा तो वापस से वो अपनी जगह में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसमें मटेरियल में कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। अगर मैं पॉइंट ए तक स्ट्रेस लगाऊंगा तो मटेरियल में कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, जो भी डिफॉर्मेशन आएगा लोड हटाने के बाद वो वापस से डिफॉर्मेशन नलिफाई हो जाएगा और वो मटेरियल वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। पॉइंट टू है यील्ड पॉइंट, उसमें भी ये है अपर यील्ड पॉइंट ऑफ द मटेरियल। ये वो पॉइंट है जहां पे मटेरियल यील्डिंग प्रॉपर यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब इसमें इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। इस पॉइंट के बाद जो हमारा कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं रहता है। देखिए जैसे यहाँ से ओ से हमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है लेकिन पॉइंट बी के बाद हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। इस पॉइंट के बाद अगर हम लोड नहीं भी बढ़ा रहे हैं तो भी मटेरियल में बहुत ज्यादा रैपिड डिफॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे बीस के बाद जो कर्व है हमारा वो नीचे जा रहा है, मतलब हम स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब हम लोड नहीं बढ़ा रहे हैं उसके बाद भी स्ट्रेन हो रहा है, मतलब कर्व हमारा राइट साइड में मूव कर रहा है। बी पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की उसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल।
इस पॉइंट के बाद अगर हम और स्ट्रेस बढ़ाते हैं या और लोड बढ़ाते हैं तो मटेरियल बहुत ही जल्दी डिफॉर्म होने की कैपेसिटी रखता है, वो बहुत तेजी से डिफॉर्म होता है। इवन अगर हम बहुत कम लोड लगाते हैं या लोड नहीं भी लगाते तो भी उसमें बहुत तेजी से डिफॉर्म होने की कैपेबिलिटी होती है। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट बी को अपर यील्ड पॉइंट। पॉइंट सी है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे मटेरियल वापस से अपना स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करता है। अब देखिए सी के बाद वापस से कर्व क्या हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, फोर्स लोड बढ़ा रहे हैं, तभी हमारा स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो मटेरियल है ये वापस से अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करने की कोशिश करता है और मटेरियल की स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन बढ़ता है। यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ाना पड़ता है अगर हमको स्ट्रेन और बढ़ाना है। तो ये कर्व ऊपर जाते जाता है, स्ट्रेस बढ़ रहा है और स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट आता है पॉइंट डी, दैट इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ग्राफ। ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन है इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। ये हमको दिखाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। पॉइंट डी शोज कि मटेरियल मैक्सिमम कितना स्ट्रेस ले सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी डिजाइन इंजीनियर के लिए, क्योंकि ये मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल अगर हम को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ला रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि कितनी भी स्ट्रेस लगाओ लेकिन ये पॉइंट डी से क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये हमारा मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसके बाद मटेरियल में फेल होने की कैपेबिलिटी आ जाती है, जो कि हमको कहाँ दिखती है, पॉइंट ई में। पॉइंट ई को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे मटेरियल ब्रेक हो जाता है, मटेरियल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस पॉइंट में मटेरियल का मैक्सिमम डिफॉर्मेशन मिलता है। देखिए आप अगर इधर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो हमको मैक्सिमम स्ट्रेन मिलेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेन हमको इस पॉइंट में मिलता है। तो मटेरियल टूटने से पहले मैक्सिमम डिफॉर्मेशन करता है और इस स्ट्रेस को पॉइंट ई में जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या फिर हम उसको बोलते हैं रप्चर स्ट्रेंथ। तो हमको इस ग्राफ में पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले। एक पहला इलास्टिक लिमिट, जहां पे मटेरियल पे अगर हम लोड लगा रहे हैं और उसके बाद अगर लोड हटा रहे हैं इस लिमिट तक तो मटेरियल वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। इसके बाद जब अगर हम लोड लगाएंगे और फिर लोड रिमूव करेंगे तो कुछ ना कुछ रेसिडुअल स्ट्रेन मटेरियल में रह जाएगा, उसका डायमेंशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, उसके बाद वो पहले जैसा नहीं रहेगा। पॉइंट बी के बाद हमारा कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता है और हमको पॉइंट बी में अपर यील्ड पॉइंट मिलता है। इसके बाद मटेरियल में तेजी से डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होता है। इस पॉइंट में हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ। सी इज द लोअर यील्ड पॉइंट ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे मटेरियल फिर से अपना स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करता है। और डी जो होता है दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल लीजिए या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बी से लेकर पॉइंट डी तक का पोर्शन को हमने स्ट्रेन हार्डनिंग बोला है, मतलब मटेरियल यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ वापस से गेन कर रहा है। और डी से ई तक नेकिंग, नेकिंग मतलब यहाँ पे बहुत तेजी से मटेरियल का इलोंगेशन होता है, लोड नहीं बढ़ा रहे हैं उसके बाद भी और उसका डायमीटर बहुत कम होता है और एक नेक टाइप का पोर्शन बना लेता है। नेकिंग मतलब बहुत ही कम उसका डायमीटर, बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है और फिर वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल मटेरियल दैट इज माइल्ड स्टील। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल हम जानते हैं कि जब हम उसमें लोड लगाते हैं तो वो ब्रेक होने से पहले वो इलांगेट होता है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे जब हम लोड लगाते हैं तो इसमें इलांगेशन नहीं आता है और ये डायरेक्टली क्या होता है, ब्रेक होता है। अगर परफेक्ट ब्रिटल मटेरियल है तो उसमें बिल्कुल भी इलास्टिक लिमिट नहीं होती है, मतलब इलास्टिक लिमिट मतलब कि उसमें बिल्कुल भी इलांगेशन नहीं होता है और वो डायरेक्टली ब्रेक होता है, उसमें इलांगेशन बहुत ही मिनिमम या नेग्लिजिबल होता है। ठीक, तो अभी हम एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे ब्रिटल मटेरियल का। और हम ब्रिटल मटेरियल में लेते हैं आयरन का ही एक एलॉय दैट इज कास्ट आयरन। ठीक,
तो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ब्रिटल मटेरियल। यहाँ पे हम देखें कि स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन जो कर्व है उसका स्लोप बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रेट टाइप का दिख रहा है। मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं हम, लोड बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बाद भी स्ट्रेन बहुत कम, मतलब उसमें डायमेंशन में बहुत कम चेंजेस आ रहा है, और हमको एक यील्ड पॉइंट मिला, और उसके बाद हमको तुरंत एक फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल गया। मतलब ये तीनों पॉइंट जो है बहुत पास पास होते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको फिर भी दूर दिख रहा है, लेकिन ये तीनों पॉइंट कहाँ पे होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। यील्ड पॉइंट भी, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ भी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी, और फ्रैक्चर पॉइंट भी। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही नियर होते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ब्रिटल मटेरियल का हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करते हैं तो यहाँ पे इलोंगेशन नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल ब्रेक होता है। ठीक, यहाँ पे हमको बहुत सारे पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, हमको ये सब चीजें नहीं मिल रही है। हमको डायरेक्ट क्या मिला, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट। अब हम ये दोनों कर्व को कंपेयर करके देखते हैं। जब हम ये दोनों कर्व को कंपेयर करके देख रहे हैं तो इसी टाइप का कर्व था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तीनों पॉइंट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग पॉइंट, तीनों पॉइंट हमको क्या मिल गया, आसपास ही मिल गया। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये तीनों पॉइंट जो है, यहाँ पे जो ब्रिटल मटेरियल का जो है वो कर्व ऊपर है एज कम्पेयर टू डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा होने के बाद भी इसका इलोंगेशन नहीं होता। मतलब ये इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, लेकिन टूटने से पहले इसमें इलोंगेशन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोल लीजिए, यील्ड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक जोन, जहाँ पे मटेरियल में अगर हम लोड लगाते हैं और उसके बाद लोड हटाते हैं तो मटेरियल वापस से अपनी जगह में आ जाता है। और इधर हम बोलते हैं प्लास्टिक जोन, जिसमें एक बार अगर मटेरियल उस लेवल तक पहुंच गया तो वो वापस से अपने एक्चुअल शेप और साइज में नहीं आता। तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल स्ट्रेस स्टेट। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।